नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो थोड़ा टॉपिक से हटकर है, लीक से हटकर है। इस वीडियो को शेयर करना जितना हो सके, क्योंकि यह वीडियो कई लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है। मैं सीधे शुरू करता हूं वीडियो की जो बात मैं आज कर रहा हूं कि टॉपिक अलग है। तो दरअसल कुछ न्यूज, कुछ खबरें, कुछ अफवाहें हमारे पास आती है और हम हर रोज उन अफवाहों को या तो अफवाहों के चक्कर में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं या तो उनको फॉरवर्ड करते हैं। तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी अफवाहों को फॉरवर्ड ना करें या इस तरह के किसी साइबर क्राइम के चुंगल में न फंसे, बचकर रहे, अपना बचाव करें। दरअसल भारत सरकार की वेबसाइट है पीआईबी फैक्ट चेक, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक डिपार्टमेंट है जहां से अधिकृत तौर पर भारत सरकार द्वारा या भारत सरकार के अधीन राज्य सरकारों द्वारा कोई सूचना जारी की जाती है, तो वहां से अधिकृत तौर पर हम उसको उसकी जानकारी मिल सकती है। तो देश भर में पसरने वाली अफवाहों और गलत खबरों को हर रोज हमारे मोबाइल पे कुछ मैसेज आता है कि इसका बर्थडे है तो आपको ये डेटा इतना फ्री मिल रहा है, आपने लाइट बिल मीटर बिल नहीं भरा तो आपका मीटर कट जाएगा, कुछ ऐसे तरह से या तो लुभावने विज्ञापन आते हैं या तो डरावने कुछ ऐसे मैसेजेज आते हैं। उनकी सत्यता जानने के लिए अगर आपको चेक करना है तो आप पीआईबी फैक्ट चेक की ट्विटर हैंडल पर जाकर वहां पर वो पोस्ट कर सकते हैं या उसको कई तरह के चेक करने के तरीके हैं। अब जो मैं बात कर रहा हूं इस पोस्ट में, वो खास तौर पर एक कॉमन फ्रॉड आजकल जो ज्यादा चल रहा है उसकी, एक कॉमन फ्रॉड अभी इस समय चल रहा है। बिजली विभाग की तरफ से एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, उसमें आपका कंज्यूमर नंबर बराबर लिखा होता है और लिखा होता है कि ये 100 कंज्यूमर नंबर का बिल पिछले महीने का अपडेट नहीं हुआ, ये बिल आप नहीं भरेंगे तो आज रात को 9 बजे 9:30 बजे आपका लाइट मीटर कट जाएगा। तो जैसा ही वो बिल आता है हम डर जाते हैं कि क्योंकि बहुत से लोग आजकल ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उनको लगता है ऑनलाइन में कभी सर्वर डाउन रहा हो, पेमेंट नहीं पहुंचा है, तो हम ये डर के मारे ट्रैप में फंस जाते हैं और वो ट्रैप करने वाले उसका गलत फायदा उठाकर हमारे अकाउंट को खाली कर देते हैं। तो ऐसे कोई अगर मैसेजेस आते हैं तो उसको इग्नोर किया कीजिए और उसका फैक्ट चेक करने के लिए आप पीआईबी फैक्ट चेक का सहारा ले सकते हैं। अब ये जो इसमें फ्रॉड करने वाले का जो तरीका है वो आजकल तरीके भी नए नए, पैतरे भी नए नए अपना रहे हैं। जब भी मैं बात कर ही रहा हूं तो आपको उनके तरीके की बात बताऊं। पहले ऐसा होता था कि वो सीधे आपको फोन करते थे, बोलते थे आपके मोबाइल पे ओटीपी आया, वो ओटीपी दीजिए, और जब आप ओटीपी देते थे तो आपका अकाउंट खाली हो जाता था। अब जब इतना जागरूकता फैलाई जा चुकी है, लोगों को आरबीआई द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि अपना ओटीपी किसी को न दे, तो ये जो क्रिमिनल है, साइबर क्राइम करने वाले हैं, इन्होंने नए तरीके ईजाद किए और नई कुछ ऐसे ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, एनी डेक्स करके एक ऐप है, टीम व्यूअर करके ऐप है, ऐसी कुछ ऐप है, वो ऐप आपसे डाउनलोड करवाते हैं और वो ऐप डाउनलोड करवाने के बाद में उस ऐप के जरिए, एक्चुअली ये ऐप जो है रिमोट ऐप है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने के लिए ये ऐप बनाई गई है कि ताकि एक सब्सक्राइबर को कुछ तकलीफ है तो दूसरा उसकी मदद कर सके। लेकिन ये साइबर क्रिमिनल जो है इसका गलत इस्तेमाल करके आपको ये डाउनलोड करवाते हैं और उसके बाद में आपका मोबाइल में आप क्या कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा एक्सेस इनके हाथ में, आप जो कर रहे हैं वो ये देखते होते हैं। अभी हाल ही में ऐसा एक मामला मेरे सामने भी आया था तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। तो उसमें ऐसा ही हुआ, एनीडेक्स नाम की एक ऐप डाउनलोड करवाई, ऐप डाउनलोड करने के बाद में फोन पर सामने से जो क्रिमिनल था, जो फ्रॉड था, वो सामने से बोलता है आपने ऐप डाउनलोड किया, अभी ऐप को खोलिए, देखिए उस पर एक कोड दिख रहा है, तो वो ऐप के उसके मोबाइल में भी डाउनलोड होती है, वो कोड आपने उसको दिया, वो तुरंत आपके मोबाइल का एक्सेस पूरा उसके मोबाइल में देख पाएगा आप क्या कर रहे हैं
और तब जो ओटीपी बैंक का आपको आता है आपको उसको बोल के बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अपने मोबाइल में आपका ओटीपी देख पाएगा और उसका गलत इस्तेमाल करके आपका नुकसान कर देगा। तो जागरूक रहे, इस तरह से कोई गलत खबर आती है या लुभावने से कुछ जो कुछ विज्ञापन आते हैं या डरावने ऐसे कुछ पोस्ट आते हैं तो इनको इग्नोर कीजिए। अगर आप फैक्ट चेक नहीं करना चाहते मत कीजिए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उनको इग्नोर करके आगे बढ़िए, न फॉरवर्ड कीजिए न ही उसके ट्रैप में फंसिए। अभी बहुत बार ऐसा आता है, अंबानी जी का आज बर्थडे है, उसके चक्कर में उसके उपलक्ष्य में उन्होंने 1 GB डेटा रोज का फ्री दिया है। कोई किसी को कुछ फ्री देता नहीं है बिना वजह, ऐसा कोई ऑफर वैलिड ऑफर होता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने का उनका जो साइबर क्रिमिनल है उनका एक माइंड सेट होता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और उनको ये खबर पड़े कि हमको किस तरह से अपने आप को बचाना है और किस तरह से इन फ्रॉड की जो कोई भी कोशिशें हैं उनको नाकाम करना है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।